पिछले क्लास में हम लोग ड्यूलॉन्ग 35 लॉ पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल के प्रश्नों का सॉल्यूशन देख रहे थे। आइए अब हम लोग चौथा मेथड वेपर डेंसिटी मेथड को डिस्कस करें। इस मेथड का जो इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हैं, आप देखिए इसको कि यह मेथड एप्लीकेबल है वैसे एलिमेंट के एटमिक मास को निकालने के लिए जो गैसियस या वोलाटाइल मतलब वाष्पशील कंपाउंड बनाते हैं। गैसियस कंपाउंड या वोलाटाइल कंपाउंड ऑफ द गिवन एलिमेंट इज प्रिपेयर्ड एंड इट्स वेपर डेंसिटी इज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट। वेपर डेंसिटी किसी गैस का उसके मॉलिकुलर मास का आधा होता है, इसलिए वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इक्वल टू मॉलिकुलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय 2 और मॉलिकुलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस। फिर से समझ लीजिए, यह मेथड किसके लिए एप्लीकेबल है? वैसे एलिमेंट किसी भी फिजिकल स्टेट में हो, उसका जो कंपाउंड है वो गैसियस या वोलाटाइल हो। इस तरह का गैसियस या वोलाटाइल कंपाउंड बनाएंगे, उसका वेपर डेंसिटी एक्सपेरिमेंट के द्वारा डिटरमिन किया जाता है। वेपर डेंसिटी किसी गैस के मॉलिक्यूलर मास का आधा होता है। एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास सवाल में दिए गए डाटा को सॉल्व करके हम लोग निकाल लेंगे। अब हम लोग देखें, हम लोग क्या निकाल चुके हैं, वेपर डेंसिटी और इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, और बना चुके हैं गैसियस कंपाउंड। मान लें हम लोग वीडी वेपर डेंसिटी ऑफ द गैसियस कंपाउंड प्रिपेयर्ड, जो गैसियस कंपाउंड बनाए हैं उसका वेपर डेंसिटी वीडी है। एलिमेंट को अगर स्मॉल ई से लिखें तो इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट, ये हमको मालूम है, ये मालूम है। एन मान लें हम लोग वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट जिसका एटमिक मास निकालना है। अब हमको एन का मान कैलकुलेट करना है, अब अगर हमने गैसियस कंपाउंड ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट बनाया है, या क्लोराइड या ब्रोमाइड, ये तीन एग्जांपल आपके पीडीएफ में लिया गया है। ऐसे सवाल में न्यूमेरिकल में कुछ भी लिखा रहे उससे कोई आप घबराने की जरूरत नहीं है, सेम प्रोसीड्योर को फॉलो करेंगे। तो पहली बात, इफ द गैसियस कंपाउंड प्रिपेयर्ड, जो गैसियस कंपाउंड हमने बनाया है, इज ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट, तो n बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड बाई
इक्विवेलेंट मास ऑफ कंपाउंड, और इस कंपाउंड में क्या है, एलिमेंट और ऑक्साइड, 2 × वेपर डेंसिटी बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट प्लस ऑक्साइड का 8। हम लोगों को मालूम है वेपर डेंसिटी, इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड, हम लोग एन का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर गैसियस कंपाउंड इज क्लोराइड ऑफ द एलिमेंट, यहां ऑक्साइड के जगह क्लोराइड, यहां 35.5, जो वोलाटाइल या गैसियस कंपाउंड बनाए वो अगर क्लोराइड ऑफ द एलिमेंट है, तो एक कंपोनेंट हो गया एलिमेंट, दूसरा कंपोनेंट हो गया क्लोराइड। अब तीसरा एग्जांपल हम लोग ने क्या लिया है कि अगर गैसियस कंपाउंड ब्रोमाइड ऑफ द एलिमेंट है, ब्रोमाइड ऑफ द एलिमेंट, तो यहां पर हो जाएगा ब्रोमाइड आयन, ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80, वैलेंसी या नंबर ऑफ चार्ज 1। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एन, एन क्या है, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। अगर एन का मान फ्रैक्शनल नंबर में आता है तो हम नियरेस्ट होल नंबर को रियल वैलेंसी मानेंगे। अभी तक हम लोग क्या निकाले, एन का मान वैलेंसी इज टेकन एज द नियरेस्ट होल नंबर, तो हम लोग एन इज कैलकुलेटेड, एन का मान निकाल चुके हैं। If n is fractional number, अगर भिन्नांक आता है, the nearest whole number, जो उसका सबसे नजदीकी पूर्णांक होगा, is taken as valency. उसको हम लोग रियल वैलेंसी या वैलेंसी कहेंगे, और तब एटॉमिक मास इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इनटू वैलेंसी। इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट हम लोगों को नोन है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर के 30 को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है, पढ़िए आप उसको। The chloride of a metal has vapor density equal to 66, और बाकी डाटा दिया हुआ है ऑक्साइड के लिए, the oxide of metal contains 53.0% of metal। मान ले हम लोग mass of metal oxide, mass of metal oxide 100 ग्राम, तो मास ऑफ मेटल कितना हो जाएगा, 53% 53 ग्राम। सब्सट्रैक्ट कर दो मास ऑफ ऑक्सीजन 47 ग्राम, तो मास ऑफ मेटल बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, मास ऑफ ऑक्सीजन बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन,
इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लो, नाइन पॉइंट जीरो टू। हम लोग कहां तक पहुंच गए, यहां एलिमेंट मेटल दिया हुआ है तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट तक। वेपर डेंसिटी का डाटा हमारे पास दिया हुआ है क्लोराइड के लिए, और उससे हम लोग क्या निकालें, एन का मान। तो वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड कितना दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड दिया हुआ है 66। ये हम लोग 9.02 इक्विवेलेंट मास निकाले, तो n बराबर हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोराइड आयन, 2 × 66 बाय 9.02 प्लस 35.5 132 बाय 44.52। तो 132 डिवाइडेड बाय 44.52 2.96। इसलिए वैलेंसी कितना हो गया, वैलेंसी ऑफ मेटल होल नंबर में लें तो 3। तो एटॉमिक मास बराबर इक्विवेलेंट मास 9.02 इंटू 3 27.06। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखें। ए मेटल फॉर्म्स ए क्लोराइड कंटेनिंग 26.2% क्लोरीन, वेपर डेंसिटी ऑफ द क्लोराइड इज 135.5, फाइंड द एटमिक मास ऑफ मेटल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड। यहाँ स्पेसिफिक हीट भी दिया हुआ है, मतलब हम लोग दोनों में से किसी मेथड को फॉलो कर सकते हैं, स्पेसिफिक हीट को अगर यूज करेंगे तो ड्यूलॉन्ग पेटिट्स लॉ से, और अगर हम लोग वेपर डेंसिटी को फॉलो करेंगे तो वेपर डेंसिटी मेथड से निकाल सकते हैं। कहता है मेटल फॉर्म से क्लोराइड मान लें, मास ऑफ मेटल क्लोराइड, मास ऑफ मेटल क्लोराइड इज इक्वल टू 100 ग्राम, तो मास ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा, मास ऑफ क्लोरीन 26.2 ग्राम, तो मास ऑफ मेटल कितना हो जाएगा 73.8 ग्राम। तो मास ऑफ मेटल बाई ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल बराबर मास ऑफ क्लोरीन बाई ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन। यहां से हम लोग इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकाल लें, और वेपर डेंसिटी दिया हुआ है किसका, क्लोराइड का ही, तो वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड बराबर 135.5, तो n बराबर हो जाएगा 2 × 135.5 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस क्लोराइड आयन 35.5। इसका मान आपको मालूम है, n का मान निकाल लेंगे, वैलेंसी निकाल लेंगे, अब एटॉमिक मास आप निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट मास इंटू वैलेंसी। मोलिकुलर फार्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड, तो आपका जो वैलेंसी का मान आएगा उस पर मॉलिक्यूलर फार्मूला डिपेंड करेगा। मान लो
मेटल का वैलेंसी, मेटल है एम और वैलेंसी है वन, तो एम सी एल, मेटल है एम वैलेंसी टू एम सी एल टू, मेटल है एम वैलेंसी है थ्री एम सी एल थ्री एंड सो ऑन। तो एन का जो मान निकलेगा उसको जब होल नंबर में चेंज करेंगे तो जो आपको रियल वैलेंसी होगा उसके अकॉर्डिंग आप निकालेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड क्या होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, एटॉमिक मास ऑफ मेटल इज 120, कि मेटल फॉर्म से वोलाटाइल क्लोराइड इक्विवेलेंट मास इज 40, फाइंड द वेपर डेंसिटी ऑफ द क्लोराइड। क्या सब दिया हुआ है? एटॉमिक मास दिया हुआ है और इक्विवेलेंट मास भी दिया हुआ है। एटॉमिक मास 120, इक्विवेलेंट मास 40। क्वेश्चन नंबर 26, एटॉमिक मास 120, इक्विवेलेंट मास 40, तो वैलेंसी 120 डिवाइड बाय 40 3। अब कहता है फाइंड द वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड, एन बराबर क्या होगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, या यहाँ भी है मेटल, मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोराइड, तो 3 इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल 40 प्लस 35.5। यहां से वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर लीजिए। क्या हो जाएगा? 3 इंटू 75.5 डिवाइडेड बाय 2। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? द वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट इज 190 एंड कंटेन्स 37.322% ऑफ क्लोरीन। द स्पेसिफिक हीट ऑफ एलिमेंट इज 0.0276। फाइंड द एटॉमिक मास एंड फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड। फिर यहाँ दोनों डाटा है, वेपर डेंसिटी का भी और स्पेसिफिक हीट का भी, मतलब ये दोनों में से किसी मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। द वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट इज 190, इट कंटेन्स 37.322% ऑफ क्लोरीन। तो हम मान लें मास ऑफ क्लोराइड ऑफ एलिमेंट, क्लोराइड ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 100 ग्राम। इसमें क्लोरीन कितना है? 37। मास ऑफ क्लोरीन 37.322 ग्राम। तो मास ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट का मास 100 में से इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 100 माइनस 37.322, 62.322
678 ग्राम। क्या होगा? मास ऑफ एलिमेंट 62.678 ग्राम बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन। यहां से इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट निकाल लिए। वेपर डेंसिटी दिया हुआ है 190, तो n बराबर जगह 2 × 190 बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट प्लस क्लोराइड 35.5, ये नोन है, तो n का मान निकाल लिए, वैलेंसी निकाल लिए। n का मान निकाल के होल नंबर लेंगे, वैलेंसी एटमिक मास निकाल लिए, और फार्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड फिर वही बात, मेटल का वैलेंसी अगर 1 है तो MCl, 2 है तो MCl2, 3 है तो MCl3, 4 है तो MCl4। इस तरह से मेटल का वैलेंसी पर डिपेंड करेगा मोलेकुलर फार्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड। अब आई क्वेश्चन नंबर 28, कहता है कि ए मेटल फॉर्म्स ए वोलाटाइल क्लोराइड हुज वेपर डेंसिटी इज 130.35, द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल इज 0.055, फाइंड द एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ द मेटल एंड फार्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड। अब यहाँ देखिए, डाटा तो वेपर डेंसिटी और स्पेसिफिक हीट दोनों में है, लेकिन इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए कोई डायरेक्ट डाटा नहीं है, तो हमको जाना पड़ेगा ड्यूलॉन्ग पेटिस लॉ का मेथड से। ए मेटल फॉर्म से वोलाटाइल क्लोराइड हुज डेंसिटी इज वन वेपर डेंसिटी इज 130.35। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 बनाए थे, उसी तरह के मेथड से इसको बनाएंगे। वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड 130.35, तो मोलेकुलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड का मोलेकुलर मास 2 × वेपर डेंसिटी 260.70। स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल 0.055, अप्रॉक्स एटमिक मास 6.4 बाय 0.055, 6.4 डिवाइडेड बाय 0.055, 116.36। मान लें वैलेंसी ऑफ मेटल n, तो फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड, अगर मेटल को हम लोग m माने, MClN, तो मोलेकुलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड
116.36 प्लस 35.5 एन। लेकिन हम लोग देख चुके हैं, निकाल चुके हैं कि मेटल क्लोराइड का मोलिकुलर मास कितना है, 260.70। इसलिए 116.36 प्लस 35.5 एन इज इक्वल टू 260.70। अब यहां से हम लोग एन का मान निकाल लें, तो 35.5 n इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटाइए, 144.34। इसलिए n बराबर जाएगा 144.34 बाई 35.5। ये बराबर हो जाएगा 4.06। इसलिए वैलेंसी हो गया 4। अब आपको क्या करना है, एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ मेटल एंड फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड। एग्जैक्ट एटॉमिक मास एंड फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड। वैलेंसी 4 आ गया, तो फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड कितना हो जाएगा, MCl4। मान लें एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ मेटल बराबर है A, तो मोलेकुलर मास ऑफ MCl4 ए प्लस 35.5 इंटू 4 बराबर ए प्लस 142। लेकिन मोलेकुलर मास है कितना, मोलेकुलर मास इज 260.70। इसलिए a प्लस 142 इज इक्वल टू 260.70, सो a इज इक्वल टू 118.70। अब 29वां सवाल, द क्लोराइड ऑफ ए न्यू एलिमेंट कंटेन्स 38.1% ऑफ क्लोरीन। पता है कि कोई अननोन या नया एलिमेंट का क्लोराइड 38% क्लोरीन है, तो हम लोग सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट मास निकाल लें, क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, लेट मास ऑफ क्लोराइड ऑफ द एलिमेंट, जो न्यू एलिमेंट है उसके क्लोराइड का मास हम लोग मान लें 100 ग्राम। तो मास ऑफ क्लोरीन कितना दिया, 38.1%, 38.1 ग्राम। तो मास ऑफ द एलिमेंट क्या हो जाएगा, 61.9 ग्राम। अब मास ऑफ एलिमेंट
बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ क्लोरीन बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट अब निकाल लें, 35.5 इंटू 61.9 बाई 38.1 सॉल्व कर लीजिए। थर्टी फाइव पॉइंट फाइव इंटू 61.9 डिवाइडेड बाय 38.1 57.67। ये क्या मिल गया? इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। फिर क्या कहता है? द वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज 12.85 रेफर्ड टू द एयर। इसका मतलब वेपर डेंसिटी नहीं दिया हुआ है, एयर का वेपर डेंसिटी और क्लोराइड के वेपर डेंसिटी का अनुपात दिया हुआ है, अनुपात रेशियो। चलिए इक्विवेलेंट मास तक हम लोग निकल गए, अब आइए आगे बढ़िए। इक्विवेलेंट मास कितना आया है? 57.67। अब दिया हुआ है कि वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड ऑफ एलिमेंट, क्लोराइड ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू 12.85। दोनों का रेशियो, डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर कितना दिया है? 1.293 ग्राम पर लीटर। किस कंडीशन में? स्टैंडर्ड कंडीशन में। वॉल्यूम ऑफ वन मोल एयर एट एसटीपी कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर। इसलिए मोलेकुलर मास ऑफ एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब एक मोल का वॉल्यूम दे रहे हैं तो मोलेकुलर मास आ जाएगा या मोलर मास। 22.4 इंटू 1.293 या ग्राम मोलेकुलर मास कहें, इतना ग्राम। तो मोलेकुलर मास बराबर क्या हो जाएगा? एयर बराबर 22.4 इंटू 1.293। अब इससे वेपर डेंसिटी निकाल लीजिए, वेपर डेंसिटी ऑफ एयर कितना हो जाएगा? 22.4 इंटू 1.293 डिवाइडेड बाई 2, 11.2 इंटू 1.293। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 11.2 इंटू 1.293 इज इक्वल टू 12.85। अब यहाँ से वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा? 12.85 इंटू 11.2 इंटू 1.293 हो गया। अब क्या कहता है? कैलकुलेट द एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास एंड वैलेंसी। इक्विवेलेंट मास तो हम लोग निकाल चुके हैं, अब हम लोग पहले वैलेंसी निकालें। तो वैलेंसी बराबर क्या होता है? एन बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोराइड। इस फॉर्मूला से निकलेगा यहाँ वेपर डेंसिटी ऑफ द न्यू क्लोराइड, हम लोग निकाल चुके हैं। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी 12.85 इंटू 11.2 इंटू 1.293
बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट 57.67 प्लस क्लोराइड का 35.5। यहाँ से एन का मान निकालिए, इसको होल नंबर में चेंज कीजिए, वैलेंसी हो गया एटमिक मास बराबर इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। और क्या कहता है, हाँ एटमिक मास निकालना है, यहाँ निकाल लें इक्विवेलेंट मास पहले निकाल चुके और ठीक यहाँ वैलेंसी निकालें। तीसवां में कहता है कि मेटल एम फॉर्म से वोलाटाइल क्लोराइड कंटेनिंग 80% ऑफ क्लोरीन, 80% ऑफ क्लोरीन, द वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड इज 66.75, कैलकुलेट द एग्जैक्ट एटमिक वेट ऑफ द मेटल। बहुत आसान सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 30, मान लें हम लोग मास ऑफ मेटल एम बराबर 100 ग्राम, सॉरी मास ऑफ मेटल एम का क्लोराइड बराबर 100 ग्राम। अब इसमें क्या कहता है कि 80% क्लोरीन है, तो मास ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा 80 ग्राम, तो मास ऑफ मेटल कितना हो जाएगा, मास ऑफ मेटल कितना हो जाएगा 20 ग्राम। तो मास ऑफ मेटल 20 ग्राम बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू मास ऑफ क्लोरीन बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल 20 × 35.5 बाय 80, यहाँ से 4, 35.5 को 4 से डिवाइड कीजिए, 35.5 डिवाइडेड बाय 4, 8.875। उसके बाद क्या कह रहा है, वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड इज 66.75, तो वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड, उसी मेटल का क्लोराइड 66.75, तो n बराबर हो जाएगा 66.75 × 2 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोराइड आयन। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल आप निकाल चुके हैं, वैल्यू पुट कीजिए, वन 33.5 बाय 8.875 प्लस 35.5। तो ये कितना हो जाएगा, 8.875 133.5 डिवाइड बाय 44.375। ये 3.008, इसलिए वैलेंसी हो गया 3। तो एटमिक मास कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। वैलेंसी आपको मालूम है, इक्विवेलेंट मास मालूम है, आप इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी से एटमिक मास निकाल लीजिए। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोमॉर्फिज्म मेथड को और उसके क्वेश्चंस को।